समय की बात है। मुंबई जैसे बड़े शहर में एक कल्याणी नाम की लड़की ने अपनी काबिलियत के दम पर खुद का एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसमें स्पोर्ट्स कंपनी को इक्विपमेंट बेचे जाया करते थे। इस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए अभी कल्याणी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, जिसमें अभी भी एम्प्लॉय को हायर किया जा रहा था। तभी एक दिन कल्याणी के ऑफिस में एक मल्हार नाम का लड़का आता है, जो कि ग्रेजुएटेड था। कल्याणी उसका इंटरव्यू लेती है और अपने ऑफिस में काम के लिए रख लेती है। मल्हार का काम था जितनी भी चीज़ें बेची गई हैं उनकी फाइल बनाकर कल्याणी को देना, और इसलिए कल्याणी के बाद ऑफिस का ज़्यादातर काम मल्हार ही संभालता था। मल्हार नेचर वाइज बेहद ही अच्छा व्यक्ति था, जिसका टॉकिंग बिहेवियर तो और भी ज़्यादा लाजवाब था, और उसके बात करने के लहजे ने ही कल्याणी का दिल जीत लिया था। देखते ही देखते कल्याणी मल्हार को चाहने लगी थी। उसने मल्हार से अपने दिल की बात तो कही नहीं थी, पर कल्याणी के दिल में मल्हार इस तरह से बस गया था कि उसे सोते जागते दिन रात हर वक्त अपनी आंखों के सामने सिर्फ मल्हार ही दिखाई देता था। जब कभी मल्हार उसके सामने आता तो कल्याणी की धड़कनें खुद ब खुद तेज हो जाया करती थी। इसी तरह अब कल्याणी ने ऑफिस में मल्हार के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया था। अब काफ़ी लंबा समय बीत चुका था, मल्हार के लिए कल्याणी की मोहब्बत और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तभी एक दिन कल्याणी फैसला करती है कि वो अपनी इस एक तरफा मोहब्बत को जाहिर करके ही रहेगी, इसलिए वो उस दिन मल्हार को देर रात तक ऑफिस में ही ठहरने को कहती है। ऑफिस का बाकी स्टाफ घर जा चुका था, तभी रात के वक्त कल्याणी अपने कैबिन में मल्हार को बुलाती है और लंबी सांसें भरते हुए मल्हार का हाथ थामती है और कहती है कि मल्हार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी, पर क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मल्हार को कल्याणी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। तभी मल्हार उससे कहता है कि मैडम, आप ये क्या कह रही हैं? आप तो मेरी बॉस हैं, आपको तो मुझसे भी कई स्मार्ट और कामयाब लड़के मिल जाएंगे, और आप कितनी खूबसूरत हैं, फिर आपने मुझे ही क्यों चुना? तभी कल्याणी कहती है कि मुझे दूसरों की दौलत से कुछ नहीं करना, मैं खुद कामयाब हो चुकी हूँ, मुझे बस एक सच्चा हमसफर चाहिए जिसकी सारी खूबियाँ मुझे आप पर दिखती हैं। चाहा तो था मैंने कि मैं आपको पहले ही बता दूं, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई तुमसे अपने दिल की बात कहने की, लेकिन आज मैंने खुद को रोका नहीं और अपने प्यार का इजहार कर दिया। बस अब तुम्हारी एक हाँ की देरी है। इसी दौरान मल्हार कुछ समय के लिए चुप हो जाता है और अचानक कल्याणी का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि यस, आई विल मैरी यू। मल्हार की इस बात ने कल्याणी को बेशुमार खुशियाँ दे दी थी, और इसी तरह कुछ दिनों बाद ही दोनों ने अपना घर बसा लिया था, और अब कल्याणी की ये एक तरफा मोहब्बत शादी में तब्दील हो गई थी, और इसी के चलते अब दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना खुशहाल जीवन जीना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, क्या कल्याणी की तरह आप भी कभी किसी के फर्स्ट साइट लवर रहे हैं? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।